को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। धमकी, ये धमकी है कौमी सिपाही की और धमकी है हिंदुओं को, पुलिस प्रशासन को और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को। आप धमकी का एक एक शब्द सुने। पहली धमकी, इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा। दूसरी धमकी, मैं कौमी सिपाही हूँ और आरएसएस वाला नहीं। मैं कौमी फौजी हूँ, मैं कौमी सिपाही हूँ, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूँ जो डर के घर में घुस जाऊंगा। तीसरी धमकी, घर में घुसकर मारूंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। चौथी धमकी, आज वार्निंग दे रहा हूँ। मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूँ। पांचवी धमकी, पुलिस और प्रशासन को। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। सुना आपने, अगर जलसे के बराबर में हिंदुओं का जलसा हुआ तो हिंदू को इजाजत दी गई तो ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अब आपको बता दे, धमकी देने वाला कौन है? कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति और रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, जो इस वक्त पंजाब अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार है, जो खुले तौर पर पुलिस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी को भी धमकी दे रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफा, जिन्होंने ये कहा कि मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितरों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। दरअसल मोहम्मद मुस्तफा एक पब्लिक गैदरिंग को संबोधित कर रहे थे और उन्हीं के पास आम आदमी पार्टी की भी पब्लिक गैदरिंग थी, जिस पर मोहम्मद मुस्तफा ऐसा भड़के कि जिसे सुनकर शायद किसी पूर्व डीजीपी से ऐसी आशा नहीं की जा सकती। मोहम्मद मुस्तफा के बिगड़े बोल वायरल हो गए, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने भी शेयर किया और लिखा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है जिस पर संज्ञान की मांग की गई और रजिया सुल्ताना को मालेरकोटला से चुनाव लड़ने से रोकने की भी बात की गई।